रोज में जब हमको पिता वहाँ थाना से गया तो बोलता है अपराधी को आप लोकेशन दीजिए, तो हमको पिता ये हाल में जा सकता है, आपको बेटा जब मरेगा तब पिता होकर जाइएगा उसका अपराधी के खोजने का, प्रशासन का काम है ना जाना वहाँ पे। तब हमको पिता के बोलते अपराधी का आप लोकेशन दे दीजिए, प्रशासन क्या करता है उसको अपराधी का, आपने नाम बोली थी कि फला ये अपराधी है हमारे भाई को, हाँ, सारा बताया, क्या बोली थी हमको पिता बोला जब अपराधी ने उसको बोला के ले गया, बोला के ले गया बिंदर से लाए के लड़का, आपके आपके भाई का जो आपको अपराधी है, जो आपके भाई को गोली मारा, जो आपके भाई का हथियारा है, वो कहाँ का रहने वाला है? हमको बगल के रहने वाला, गांव का, जी साहब, गांव का रहने वाला है उसका, उसको हरिचंदर है, राजू है। आप हरिचंदर और या राजू हो गया, आप कैसे कह सकती है की हमारे भाई का हथियारा वही है? ले गया बोला क्या गोली मारा जी, गाछी में बोला क्या भागते हुए लेके गया, गाड़ी पर बैठा के गोली मार के एक गोली मारा तार पार कर गया उसको, फिर उसको गया गाड़ी से उसको पकड़ा, मतलब भाई जब भागा उसको गाड़ी से उसको पकड़ के गोर पर चक्का चढ़ाया पहले, और चक्का चढ़ाने का उसको लेटा दिया, लेटा के उसको फिर दोबारा गोली मारा, तो हमको भाई बेहोश होके पड़ रहा, जब बेहोश हमको भाई हो गया वो बोला जब मरने वाला है तो वहाँ पर कुछ आदमी था, कुछ आदमी जो था वहाँ पर, तो बोलता है इसको अब हम क्या करें, वो बोलता है वहाँ पर क्या आदमी इसको लो के भागो, इसको ना तो ये मर जाएगा, लेके भागा आदमी यहाँ से गाछी जो लेके सारा गांव जिसको पीछे वाला रोड से गया, वहाँ पर आदमी नहीं देखा, आँख में सबको पट्टी बना हुआ था, हमको भाई के गाँव वाला समाज असम मिल के मरवाया है, और दो दिन पहले हमको मतलब आपस में किसी से झगड़ा हो रहा था। आपके भाई से क्या ऐसी क्या दुश्मनी थी, या आपके परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी थी जो आपके भाई का हथियारा है, जो ऐसी क्या दुश्मनी थी जो उसको गोली मारना पड़ा, क्या ऐसा तो नहीं है जो अपराधी का या हथियारे का कोई ऐसा राज है जो आपका भाई जान रहा था? कोई अपराधी मुझे भाई से नहीं था, न कोई झगड़ा न लड़ाई कुछ नहीं था, फिर किस लिए उसको मारा? हमको भाई को पहले दोस्त बनाया, दोस्त बना के उसको दुश्मन बना लिया, नहीं है दोस्त जब बनाया पहले तो उससे दोस्ती कर लिया, और दोस्ती करने के बाद उसको मारा है, ऐसे नहीं मतलब कोई विवाद अगर आपस में लड़ रहा है तो आदमी तो खड़ा हो भी करेगा अपना दूरा पर, नहीं दोस्ती हर एक इंसान से इंसान से होता है, हर आदमी को हर आदमी से दोस्ती होती है, मगर गोली ये आखिरी स्टेज, आखिर गोली मारने का कुछ तो कारण होगा, कोई कारण नहीं है, कारण होगा, हो सकता है परिवार वाले को या आपको मालूम ना हो, आपके भाई को मालूम हो जो आपका भाई का हथियारा था, हो सकता कोई ऐसी गुप्त बात हो जो आपका भाई जान रहा था, और अपराधी को डर हुआ कि ये इसको हम छोड़ देंगे तो हो सकता आगे बात लीकेज कर जाए तो मेरे परेशानी होगी, या इस वजह से तो ऐसा नहीं हुआ? वा तो उसको तुम्हारा जानेगा कि कौन कुना से हमको भाई के मारा, बच्चा तो 15-14 साल के बच्चा, कोई गुनाकार तो नहीं होगा सर, कोई गुनाकार नहीं होगा ना, वो तो उसको दिल में क्या था नहीं था, कौन दुश्मनी से हमको भाई के मारा नहीं बना, वो तो प्रशासन को हवाले कर फिर तो पता चलेगा, जब वो गुनाकार पकड़ाएगा फिर ना पता चलेगा, और इसे थोड़े हम जान सकते हैं जो कौन अपराधी से हमको भाई कल्याणपुर थाना पे आप भी गए थे क्या? नहीं, मेरे पिता गया। क्या बोला गया ये कल्याणपुर थाना क्या बोले? कल्याणपुर थाना तो वही बोला आप लोकेशन दीजिए फिर उसको पकड़ेंगे, जिसको पिता बेटा मरेगा उसको पिता क्या अपराधी को ढूंढेगा, फिर प्रशासन को कौन काम का है, थाना यहाँ कल्याणपुर कौन काम का है, कोई काम के नहीं है, जब प्रशासन रहते हुए इतना कांड हो सकता है, वो गांव घर में गाछी में कहीं गोली चलता है सर, कोई गुनाकार को जो बुला के ले जाएगा, कोई बेगुनाकार को उसको फुसला के गोली मार सकता है? हाँ, ये तो बहुत हत्या किया है मुझे, जो हमको भाई के मारा है सभी को खोज के हासिल कीजिए प्रशासन, उसको फांसी का सजा होना चाहिए। समस्तीपुर एसपी साहब, जिला पुलिस कप्तान साहब, बहुत अच्छे एसपी साहब आए हुए हैं, उसे हाँ। क्या कहना चाहती हैं? उसे कहना चाहिए उसे जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, उसको फांसी की सजा होना चाहिए, इसके अलावा खून के बदला खून हमको चाहिए, जैसे हमको भाई के मारा उसी तरह उसको मारना चाहिए, प्रशासन को ढूंढ के, हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कानून कार्रवाई किया जाएगा, जितना जल्द से जल्द हो उसको कार्रवाई कानून कार्रवाई कीजिए, उसको जल्द से जल्द जेल भेजिए, और जहाँ से होना चाहे उसको ढूंढ के लाइए, प्रशासन का काम है कि पुलिस पकड़ पाएगी आपके भाई के हथियारे को? कहाँ पकड़ सकता है, जब गिरफ्तार करना होता था 5 दिन में हो सकता था, भी प्रशासन अगर कर सकता तो हो सकता था, और इसके बाद हमला करना चाहता बोलता है गाँव में की एक तो मारा है, 2-3 को और हम मार सकते हैं, प्रशासन कहाँ है, प्रशासन इस बात के लेके कहाँ है, प्रशासन तो उसको खोजना चाहिए प्रशासन को ना, आई हमको भाई के मारा बिहान किसी को मार सकता है,
मर सकता है ना सर। हम गुहार करते हैं निवेदन सरकार से, जो हमको भाई के मर उसको फांसी की सजा होना चाहिए, हमको खून का खून चाहिए सर, हम फांसी होना चाहिए। हम चिल्ला के बोल रहे हैं जैसे हमको पिता पर आए, हमको आगू के जो पर्सल छिपा होता है वो छीन लिया हमको पिता से, आज उसको जैसा हो हर हाल में उसको फांसी की सजा होना चाहिए। गुनाहगार संसार में नहीं रहना चाहिए, ऐसा आदमी गांव में नहीं रहना चाहिए सर। जल्द से जल्द करवाई किसको फांसी की सजा, इसके अलावा हमको पिता को कुछ नहीं चाहिए। इधर आइएगा, इधर आइएगा, इधर आइए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या होगा? आज 5 दिन हो गया, हथियार अभी तक नहीं पकड़ में आया है पुलिस के। अंधा कानून हो गया सर, क्या कीजिएगा। गरीब आदमी को लाश गिरता है और देखने वाला कोई नहीं, हम लोग क्या बोलेगा गरीब आदमी जिसको खाने का नहीं है। यदि अगर ऐसा जैसे होता है कानून, हम जैसे लोकेशन देंगे जैसे उसको, हम कहां से लोकेशन जाएंगे खोजने के लिए। और इसके 5 रोज के अंदर जो बोलता है, ये आज जैसे हम रात में भी आया है जैसे हमको ऊपर हमला करने के लिए, जो रात में जैसे आता है कहता है यदि अगर जैसे जो बोलेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, गोली मारेंगे। फिर यदि अगर एसपी साहब के जैसे ऐसा हो तो उसको कानून कार्रवाई किया जाए, नहीं तो हमको जैसे बेटा को मार दिया है मेरा भी जैसे गोली मारेगा। कोई क्षेत्रीय नेता अभी तक आपके यहाँ आए हैं? हाँ जी आए हैं, महेश्वर हजारी जी आए थे जी। कार्रवाई होगा जो बोले, जो हम जैसे 24 घंटा के अंदर में हम जैसे पकड़वाएंगे, लेकिन वो भी जैसे नहीं पकड़ पाएंगे, वो तो जैसे आए और चले गए। उसको कहने के हम जो कहे उसके ऊपर जैसे बोले कि यदि अगर जैसे बोलते हैं जो आए से आए, इसके बाद आगे अगर बढ़िएगा तो हम गोली तुमको भी मारेंगे। जो हथियारे हैं उनका घर किस जगह है? आप ही हाँ बगल की मेरा है, ये जो है हाँ बगल। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, जो परिवार वाले का आरोप है कि हमारे लड़के को यही घर का आदमी, इसी घर के हथियारे हैं जो हमारे लड़के को गोली मारे है।